हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट होम कुकिंग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। सो आप इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करते रहें ताकि मैं हर एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स मसालेदार सोया चाप। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे आज मसालेदार सोया चाप। सो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 5 से 6 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 7 से 8 कली लहसुन, 1 इंच अदरक और 7 से 8 प्याज लिए हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरे टमाटर हैं मैं इनकी प्योरी बनाऊंगी। सो मैं मिक्सी की जार यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे कद्दूकस से भी प्योरी बना सकते हैं। मेरी जो प्योरी है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब जो मैंने अपना मसाला था ये मोटा मोटा काटा हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेरी चाप है इसे मैंने वॉश कर ली थी। वॉश करने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें से जो इसकी आइसक्रीम स्टिक्स है इन्हें निकाल दी है। इसे निकालने के बाद फ्रेंड्स इसे अब हम गोल गोल स्लाइस में काट लेंगे। और मैंने तेल चढ़ा दिया यहाँ पे गर्म होने के लिए। उसके बाद हम अपनी जो स्लाइस है इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने एक बार नोट की होगी फ्रेंड्स, जब ये मैंने स्टार्टिंग में डाले थे तब इनका साइज छोटा था, बट अब फ्राई होने के बाद ये थोड़े फूल गए हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। और फ्रेंड्स इसे हमें डार्क ब्राउन नहीं फ्राई करना है, हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। और आप देख सकते हैं जो इसके अंदर की लेयर है वो भी हमें साफ दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स ये हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ जो इसका कलर है, आप देख सकते हैं पास से, इतना बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। सो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले इसमें 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 4 चम्मच दही ऐड करेंगे। ये मैंने ताज़ी दही ली हुई है। और 4 चम्मच लेने के बाद फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स जो हमारे मोटे कटे हुए मसाले थे हम उसे डीप फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे जल्दी से निकाल लेंगे। अब इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे खड़ा मसाला लिया है जिसमें मैंने लाल सूखी मिर्च, लौंग, दालचीनी और तेजपत्ता लिया है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपना कुकिंग ऑयल लूँगी 1 टेबलस्पून और उसमें 1 चम्मच मैं जीरा ऐड करूँगी, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और लाल मिर्च, इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे भूनूँगी थोड़ी देर के लिए। जब ये भून जाए फ्रेंड्स उसके बाद जो हमने अपनी टमाटर की प्योरी बनाई थी उसे इसमें ऐड कर देंगे। जब तक हमारी प्योरी रेडी हो रही है हमने जो प्याज लहसुन का फ्राई किया था अब उसे जार में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे।
ग्राइंड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के एक और बार ग्राइंड करेंगे। और यहाँ देखिए जो मेरी टमाटर की प्योरी है ये भी काफ़ी हद तक भुन चुकी है, इसने अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने जो मसाले हैं वो डालना शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैंने छोटी चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच देगी मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, सॉरी धनिया पाउडर। सो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, जो हमारा मसाला है जब ये भून जाएगा तो ये तेल छोड़ना स्टार्ट कर देगा। सो अब हम इसमें अपने जो ये प्याज है इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, इसे मिक्स करेंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। जब हमारा मसाला भूनने लग जाए तो आप देख सकते इसने भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने 2 चम्मच ताजी मलाई ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है, सो इसे ऐड जरूर कीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे भी थोड़ी देर भुनेंगे। सो फ्रेंड, भुनने के बाद अब हम इसमें अपना जो 1 ग्लास पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसे चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारी सोया चाप है हम उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुकी हैं, अब हम देखते हैं हमारी जो रेसिपी है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये मेरा मसाला है ये पूरा हो चुका है तैयार। सो इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब हमारी जो सब्जी रेडी है। अब हम इसमें जो हमारी कस्तूरी मेथी है उसे इसमें क्रश करके ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसे भी चलाएंगे। देखिए मेरी सब्जी जो देखने में कितनी अच्छी लग रही है और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है। सो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, वो इसे बहुत ज़्यादा लाइकते हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपके घर में भी ये सबको बहुत पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में, और आप घर में ही बहुत ईजी तरीके से इसे बना सकते हैं। सो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपके घर में भी ये सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको फ्रेंड्स मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरी हर एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर होती रहे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा और मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ अपनी इजी और यम्मी वाली रेसिपीज़ शेयर करूं। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अलॉट।